In this video, we will study about the regulation of gene expression in both prokaryote as well as eukaryote. So first of all, basics of the regulation of gene expression. Gene expression, that is the thing, or we can say the term which helps in making the proper information about whether the gene is affecting in an individual its phenotype or not affecting. Means अगर हम बात करें कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, तो जीन एक्सप्रेशन में जब हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन मीन्स जब कोई स्पेसिफिक जीन किसी पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करे एंड दैट पॉलीपेप्टाइड और द सेगमेंट ऑफ जीन मेक द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज द जीन एक्सप्रेशन. सो वी कैन डिफाइन इट द मैकेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल इन विच अ जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ एज द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में अगर कोई फिनोटाइपिक चेंज है तो इट मीन्स वो चेंज किसी भी जीन के एक्सप्रेशन की हेल्प से हो सकता है. देर आर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द जीन एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द जीन एक्सप्रेशन, और वी कैन से टाइप्स ऑफ जीन्स में हम फर्स्ट डेफिनेशन लेते हैं जंपिंग जीन्स. जैसा कि इनका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, मीन्स द जीन्स विच आर इन कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू द अनदर. तो इस टाइप का जो जीन अगर बॉडी में प्रेजेंट है, दैट जीन इज नेम्ड एज द जंपिंग जीन. सो वी कैन राइट द जीन विच मूव from one chromosome to another in genome of an individual. किसी भी individual के genome में अगर कोई specific gene किसी chromosome से one chromosome से अनदर क्रोमोसोम पर अगर मूव करता है, दैट इज नोन एज द जंपिंग जीन. नाउ द सेकेंड वन इज वी कैन से द ओवरलैपिंग जीन. ओवरलैपिंग जीन मीन्स देयर आर टू डिफरेंट जीन्स, बट दीज डिफरेंट जीन्स ओवरलैप्ड देयर पोजिशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड. मीन्स एक ही स्पेसिफिक जीन है, जैसे हमने बात की थी कि कोई भी स्पेसिफिक कोडोन है, उस कोडोन के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती. एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की ही फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब हम ओवरलैपिंग जीन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एनिमल वायरसेस हैं जिनकी बॉडी में ओवरलैपिंग जीन्स आर प्रेजेंट हियर, जो क्या करते हैं कि आपस में ओवरलैप करते हैं एंड दे कोड फॉर टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, और कोड करके वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं. तो वी कैन राइट द डेफिनेशन द जीन्स इन सम एनिमल वायरसेस दैट कोड्स फॉर टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बाय ओवरलैपिंग देयर पोजिशन. थर्ड टाइप ऑफ द जीन इज नोन एज हाउस कीपिंग जीन्स और वी ऑल्सो नेम देम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन.
housekeeping genes means the genes which always present in the cell and always express themselves, because these genes are in constant need for the cellular. The genes which express itself constantly in cell metabolism. In cell metabolism means ऐसा जीन जो सेल में परमानेंटली प्रेजेंट है एंड इट एक्सप्रेस इट सेल्फ कॉन्स्टेंटली इन द सेल मेटाबोलिज्म वेन नीडेड. और जब भी इसके जीन प्रोडक्ट की जरूरत सेल को है देन इट ऑलवेज प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. दिस टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज हाउस कीपिंग जीन्स. फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस दैट इज इन constant requirement in the cell. So that type of the gene is known as housekeeping gene. Next gene is the luxury gene. We also name them smart gene and also name them non-constitutive gene. एज द नेम सजेस्ट लग्जरी जीन्स मीन्स ऐसे जीन्स जो सेल में हमेशा प्रेजेंट है बट इन द साइलेंट मोड एंड दे विल परफॉर्म देयर एक्टिविटी और दे विल एक्सप्रेस देम सेल्फ वेन द प्रोडक्ट ऑफ दैट जीन इज रिक्वायर्ड इन द सेल. सिर्फ उस टाइम ही वो एक्टिवेट होंगे. सो वट इज द डेफिनेशन ऑफ द लग्जरी जीन. द जीन ऑलवेज in silent always silent and express only when the gene product is needed. जब इसका gene product needed होगा तभी ये सिर्फ काम करते हैं. इसलिए ऐसे gene को luxury gene कहते हैं. और इस type के जो gene होते हैं it is of switched on or off medium. दोनों टाइप के हो सकते हैं. switched on मोड में भी और switched off मोड में भी. नाउ अब जो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स हैं इनको हम फर्दर टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन आर ऑफ टू टाइप. One is the inducible and repressible type. Inducible gene and repressible gene. Now, what is inducible? It is switched on in the presence of chemical substance and that chemical substance is named as inducer. Most important, अभी हम आगे next video में detail में study करेंगे कि किस type के inducer या inducible regulation के बारे में हम बात कर सकते हैं. तो inducible system क्या है? It is switched on. ये सिर्फ तभी काम करेगा जब इसमें एक specific chemical substance, जिस chemical substance को हम inducer कह रहे हैं तो वो inducer जब system पर work करेगा तब वो system work complete करेगा then express करेगा और ऐसे system को हम क्या कहेंगे? Inducible operon कहेंगे. Now next one is the repressible operon or you can say the repressible system. It constitute the expression only when the end product of metabolism suppress the activity means सेल में
होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो एंड प्रोडक्ट है, वो एंड प्रोडक्ट जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुप्रेस करेगा, तो ऐसे सुप्रेसर या ऐसे रिप्रेस करने वाले जो केमिकल सब्सटेंस हैं, या हम कहे ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रेसिबल जीन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीन रेगुलेशन है, नेक्स्ट जीन रेगुलेशन फर्दर हम इस जीन रेगुलेशन को फिर से दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड सेकेंड इज द नेगेटिव जीन रेगुलेशन। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एक ऐसा जीन रेगुलेशन जिसमें द वन विच रिमेन नॉन एक्सप्रेस्ड unless and until they produce to it, or we can say that unless and until they produced or induced to do it means ऐसा regulation जिसमें कोई भी स्पेसिफिक जीन पहले नॉन एक्सप्रेस्ड है, और उस नॉन एक्सप्रेस स्टेट में वो कब तक रहेगा, जब तक कि उसे कोई इंड्यूस ना करे, कोई इंड्यूसर उसे एक्टिवेट ना करे। और ऐसा जो पॉजिटिव रेगुलेशन है उसमें हम इंड्यूसिबल रेगुलेशन की हमेशा बात करते हैं, कि जो इंड्यूसिबल रेगुलेशन है दैट इज द टाइप ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन। सेकेंड आता है नेगेटिव रेगुलेशन, और नेगेटिव रेगुलेशन एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को अगर कोई एंजाइम या कोई भी या सब्सटेंस जब तक कि उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस नहीं करता, तब तक ये नेगेटिव रेगुलेशन कंटिन्यूअसली वर्क करता है। तो ऐसा रेगुलेशन क्या कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। मीन्स द जीन कंटिन्यू to express their activity until the substance suppress it। और जब तक कि वो कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस इसे सुप्रेस नहीं कर देता, तब तक ये अपना वर्किंग कंटिन्यूअसली चलाए रखता है। और ऐसी कंडीशन में जो ऑपेरॉन या कोई सिस्टम रेगुलेशन का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेसिबल सिस्टम। तो वी कैन से दैट पॉजिटिव रेगुलेशन अगर है तो वो इंड्यूसिबल होगा, जिसमें कोई इंड्यूसर वर्क करने में हेल्प करता है, और नेगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेसिबल, जिसमें जब तक कि कोई मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट ना कर दे, तब तक उसकी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। जब हम यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो अब तक हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से स्पेसिफिक जीन यूकैरियोटिक सेल्स में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें बेसिकली फोर स्टेप्स हैं जो जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द mRNA। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, देन इन यूकैरियोटिक सेल वी हैव स्टडीड अबाउट द hnRNA, कि जब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है तो उसमें प्रोडक्शन होता है hnRNA का। एंड दिस hnRNA इज नीडेड टू अंडरगो द प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इन टू द मैसेंजर RNA। तो जब ये hnRNA बना, लेकिन ये hnRNA यूकैरियोटिक सेल में फंक्शनल नहीं है बिकॉज ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द इंट्रॉन्स यूनिट इन इट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेसिंग लेवल। इन दिस प्रोसेसिंग लेवल वट विल हैपन, द hnRNA बिकम चेंज्ड इन टू द mRNA, एंड दैट mRNA इज द मेच्योर RNA दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन, और यू कैन से द हेल्प्स इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन।
So the processing level that showing the capping, tailing, splicing, and mainly the splicing part is that which changes the hnRNA to the mRNA. Third step, these two steps of transcription as well as processing, both of them takes place in the nucleoplasm, means inside the nucleus. Now the third step is the transfer of mRNA into साइटोप्लाज्म. अब क्या होगा कि जो एमआरएनए प्रोसेसिंग के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म में डेवलप हुआ, उस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में शिफ्ट करना है, ताकि जो ट्रांसलेशनल लेवल है, फोर्थ लेवल, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के लेवल पर हो सके. तो थर्ड स्टेप में होता है कि ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म. एंड द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप of the regulation of gene expression is the translational level. और इस translational level में क्या होगा, protein synthesis will takes place here. In this protein synthesis, what will happen? The process, that is the mRNA, will helps in the protein synthesis with the ribosomal unit. So all these four steps showing the eukaryotic, we can say gene regulation, जो कि हम इन सभी videos में detail में study कर चुके हैं. Now in the next video, we will study about the gene regulation in the prokaryotic cell, and that is named as the operon model.